चलिए आपको बताते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, आप देख सकते हैं पूरी, ये देखें। देखिए एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट पूरी रेडी हो गई है। इसे इस तरह से आप खीर में डिप करें। आज हम आपको बता रहे हैं परफेक्ट चोबे की पूरी की रेसिपी, साथ ही उसके साथ हम बनाएंगे राइस की खीर यानी चावल की खीर, जो बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट करती है। बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ये रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं, ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए यहाँ पर मैदा ले लिया है मैंने, ये आधा किलो मैदा है। इसमें हम ऐड करेंगे रवा हाफ कप, साथ ही इसमें डालेंगे हम असली घी 1 टेबल स्पून। रवा और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी के साथ हम अच्छे से, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे मिल्क, 1 कप मिल्क लिया है मैंने। स्लोली आप इसमें ऐड करें और इसे भिगाते रहें। जितना आप अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी ही आपकी पूरी मज़ेदार बनेगी। कर भी हमने अच्छे से भिगा लिया है इसे, और पानी ऐड करेंगे हम इसे। ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, इसका आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो आप मेक श्योर करें पानी आप ग्रेजुअली ऐड करें और इसे अच्छे से डो बना लें। चलिए पहले हम इसे अच्छे से भिगा लेंगे, फिर आपको बताएंगे। आटे को हमने गूंद लिया है, मगर हम इसे और गूंदेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 1 घंटे से 45 मिनट तक आप इसे रख दें, ताकि मैदा अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद फिर से हम इसे गूंदेंगे। जब तक हमारा मैदा रेडी होता है हम खीर बनाएंगे। चावल की खीर बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैंने पके हुए चावल ले लिए हैं, कुक्ड राइस चाहिए 1 कप। अगर आपके पास कुक्ड राइस नहीं है तो आप चावल को भिगा कर रख दें 1 घंटे के लिए, और फिर सेम प्रोसीजर आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे मैं ब्लेंडर में ऐड करूँगी, साथ ही इसमें डालेंगे दूध 1/2 कप, और साथ ही इसमें डालेंगे हम बादाम और पिस्ता 10 से 12 ले लिए हैं मैंने, इन्हें भी हम साथ ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मज़ेदार खीर बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अच्छा फाइन पेस्ट हमने बना लिया है राइस बादाम और पिस्ता का। चलिए स्टार्ट करते हैं खीर की रेसिपी। चलिए यहाँ पर बर्तन रख दिया है मैंने, इसमें हम दूध ऐड करेंगे 1/2 लीटर, और इसे बॉईल आने देंगे। ये देख सकते हैं आप, दूध में उबाल आ रहा है। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी। जितनी आपकी खीर लो फ्लेम पे पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी, और ये सबसे आसान तरीके की खीर है, चावल की खीर जो हम बनाते हैं घर पर। चलिए गैस का फ्लेम लो करते हैं, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे शुगर, ये 1/2 लीटर मिल्क की राइस की खीर बता रही हूँ मैं आपको। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, 3/4 कप मैंने ऐड की है। ये बारीक शुगर है, ज़्यादा लगती है, अगर आप ज़्यादा या कम मीठा खाते हैं तो अपने हिसाब से एडजस्ट करें। चलिए इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे, साथ ही इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा सैफरान ऐड करेंगे, और इसे हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने देंगे, और फिर गैस का फ्लेम लो करेंगे। चलिए फिर से उबाल आ रहा है, अब गैस का फ्लेम मैं लो कर दूंगी। चलिए शुगर भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस, काजू और पिस्ते का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे थिकनेस आएगी और साथ ही बहुत ही टेस्टी अपनी खीर बनेगी। चलिए चावल को भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता थिकनेस बढ़ती है, इसे मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे आप इसे बीच बीच में थोड़ा सा स्टर करें, और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए 15 मिनट्स हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी खीर पक गई है, थिकनेस भी आप देख सकते हैं गाढ़ी हो गई है। अगर आप इसे और थिक रखना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसे लो फ्लेम पे और 5 से 10 मिनट पका सकते हैं। चलिए इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से स्लाइस्ड बादाम और
से डिश आउट करेंगे। ये देखिए कैसी मजेदार हमारी राइस की रेडी हो गई है। इसे नॉर्मल टेम्परेचर आप पर आने देंगे और इसे बाउल में ट्रांसफर करेंगे, फिर आप इसे रेफ्रिजरेट करें और ठंडी ठंडी सर्व करें। चलिए इसे डिश आउट करके आपको बताएंगे। चलिए चोबा बनाते हैं जब तक आटा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर कोबरा ले लिया है मैंने और इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ये 1.5 कप है इसकी क्वांटिटी, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए खोपरा और शक्कर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम को मैंने बॉईल करके स्लाइस कर लिया ना इस तरह से। ये आप ऐड करते मगजिया, साथ ही इसमें डालेंगे हम किशमिश यानी रेजिन्स, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लें, मिठास होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि खोपरे का फ्लेवर आ रहा है, शुगर का फ्लेवर नहीं आ रहा है, तो आप शक्कर और ऐड करेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल हमारा चोबा रेडी हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी बनाना। अब हम इसे और थोड़ा सा अच्छे से गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जितना अच्छा आप मैदा गूंदेंगे उतनी ही आपकी सॉफ्ट पूरी बनेगी। तो आप थोड़ा सा तेल अप्लाई करें इसमें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद। आटे को अच्छे से गूंद लिया हमने, अब इसका हम थोड़ा सा हाफ पोर्शन लेंगे और इसके हमें पेड़े बनाने हैं तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। इसे लंबा सा रोल करेंगे और फिर इसके मीडियम साइज के हम पेड़े बनाएंगे। इस तरह से रोल करने के बाद आप इसे जिस भी साइज की आपको पूरी बनानी है बस थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इस तरह से राउंड पेड़े बनाकर हम इसे कवर करके रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पहले पेड़े बना लिए हैं, अब इन्हें हम कवर करके रखेंगे और 1 by 1 रोल करेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, याद रहे ज़्यादा आटा ना लगाएं वरना आपकी पूरी कड़क हो जाएगी। आप इसे थोड़ा सा आटा और तेल लगाकर अच्छे से राउंड में देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है। अब सेंटर में हम इसमें ऐड करेंगे चोबा, यानी हमने जो खोपरे का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। साथ ही पानी लगाएंगे एजेस में ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। हल्के हाथ से ऐसा पानी लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से रोल करेंगे। आप मेक श्योर करें कॉर्नर्स अच्छे से सील हो वरना जब आप फ्राई करेंगे तो खोपरा बाहर आ जाएगा और आपका सारा तेल खराब हो जाएगा। चलिए इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे एक प्रॉपर शेप में और ये जो एक्सेस है वो आप निकाल दें। और फोक की मदद से हम इसे इस तरह से डिजाइन देंगे। इसी तरह से 6 से 7 हम पूरी बनाएंगे और फिर इसे एक साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए पूरी हमने बना ली है, ऑयल रख दिया है मैंने फ्राई करने के लिए कढ़ाई में। आप मेक श्योर करें तेल अच्छे से गर्म हो और गर्म होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे। याद रहे तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पूरी। 1 से 2 पूरी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक करें। देखिए परफेक्टली
ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश, टेस्टी इजी चोबे की पूरी, या जिसे खोपरे की पूरी भी कहा जाता है। साथ ही हमने बनाई है चावल की खीर, इसे आप ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के सर्व करें, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं दोनों के साथ। प्लीज़ ट्राई करिए हमारी ये रेसिपी और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।